Masa. ले इतना टाइम लगे के भोग लाने में, थारे भरोसे तो ठाकुर जी भूखो रह जावे। घर में कोई काम टाइम पे कोनी हुए। कितनी बार समझाया तन्ने, आरती की तैयारी टाइम पे होनी चाहिए, वो थारे कान पे तो जू तक ना रहेंगे। मासा चाय। बड़ी जल्दी याद आ गई बिंदनी तन्ने, जैसे जवान चलावे है हाथ भी चला लिया कर। गजेंद्र कटे गए सुबह ही सुबह? वो थुनपुर गए छोरी देखने के वास्ते। के कहो देखने? देख कभी सुना है तूने छोरे वाले आगे होके छोरी के घर रिश्ता लेके जावे? छोरी वालों को गरज होगी तो नाक रगड़ते आएंगे हमारे घर। इसने तो खानदान की इज्जत का थोड़ा भी ख्याल ना किया? के कमी थी हमारे पोते में जो आगे होके छोरी के घर रिश्ता लेके गया? धोख देऊंगा सा। आप नाराज क्यों हो मासा? मासा के फर्क पड़े है रिश्ता पहले हम लेके जाएं या वो? मन में फर्क पड़े है लाडे सर। मासा रिश्तों करण के लिए पहले किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़े है, फिर चाहे वो छोरे वाले हो या छोरी वाले। बस लाडे सर, तू मन ने सिखावेगा रिश्ते कैसे किए जावे? मारा वो मतलब ना है मासा। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो, जिस बात पे गुस्सा है कम से कम उसकी फोटो तो देख लीजिए। हाय कितनी रूपाड़ी है, लागे है चांद को सो टुकड़ो। सुंदरता ने चाटीगी के बिंदड़ी। रिश्ता करण के पहले छोरी का चाल चलन और घर खानदान देखा जावे है, सुंदरता नहीं। रिश्तेदारी बराबर वालों में होवे है, चमड़ी देख के नहीं। हुकुम हुकुम, एक खुशखबरी लाया हूँ। के बात है वकील साहब, के खुशखबरी लाए हो? हुकुम, बरसों से जिस प्रॉपर्टी पर केस चल रहा था आज वो केस हम जीत गए, अमर सिंह हार गया। मारे ठाकुर साहब थारी घणी घणी कृपा। गजेंद्र आज ही है छोरी के घर शगुन भेज दे। लागे है ये छोरी हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। लेकिन हाँ, गजेंद्र हमारे लाडे सा की शादी में कोई कमी ना रहे। जी मासा।
पधारो सा। के कर रही है रुक्मिणी? थारे को थोड़ी सी भी समझ है रीति रिवाज की? पहले हमारा छोरा अंदर आवेगा, बाद में बींदड़ी। रे लुगाई का धर्म हो गए है आदमी के पीछे चलने को इतनी भी समझ ना है? चल हमारे लाडी से। क्या देख रही रोहिणी? जी जी कुछ नहीं। रोहिणी ये वर्दी नहीं बल्कि गौरव है हर एक सैनिक का, और इसके सम्मान की रक्षा के लिए हर एक सैनिक मरने को तैयार। ऐसी अशुभ बातों से मेरा मन घबराता है। इसमें घबराने की क्या बात है? हर एक सैनिक का धर्म होता है देश पर मर मिटने का। अच्छा बैठो। ये आपके लिए। ये मेरे लिए? रोहिणी वैसे तो हमें भी आपको तोहफा देना चाहिए, पर जल्दबाजी में हम तोहफा लाना ही भूल गए। मुझे तो इतना अच्छा घर परिवार और माता पिता समान सास ससुर मिले हैं, और क्या चाहिए? रोहिणी तुम मेरी अर्धांगिनी, और तुम्हारा मुझ पर और इस घर पर उतना ही हक है जितना मेरा। तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि दोस्त हो, और आज की बात तो अपनी हर एक बात मुझसे शेयर कर सकती।
वीर, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और गांव के गरीब लोगों की मदद कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और रोहिणी, शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद अब तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है। सच? तुम मुझे पढ़ने दोगे? रोहिणी, तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकती हो, और इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रोहिणी, अब मेरा यही सपना है कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो। बींदड़ी, वीर अभी तो उठे हो ना? जी, उठ गए दादी साहब, बस अभी आते ही होंगे। लियो, आ गए हो मारो लाडी साहब। धोक दी दादी साहब। बैठ जल्दी। कमागड़ी बाबू साहब, मां साहब। आज थारी भींदड़ी ने नाश्तो बनायो है। अरे, मक्खन ना लियो? भींदड़ी, मक्खन दे। ये क्या है? थोड़ा और डाल, कंजूसी ना कर, थारे सासरे में खाने पीने की कमी ना है। अरे दादी साहब, ज्यादा मक्खन खाऊंगा ना तो मोटा हो जाऊंगा। अरे सारा दिन वहां भाग दौड़ करता रह, अगर खान पीने का ध्यान नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा? खा। अरे बिंदड़ी, मन ने भी हलवा परोस, देखू तो सही आज मारे पोते की बहू ने हलवा कैसा बनाया है। आज तूने पहली बार घर में कुछ बनाया है, ये थारा नेग है। और बिंदड़ी, हलवा खूब चखो। बापू साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल लाडे सर। बापू साहब, रोहिणी पढ़ना चाहती है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? और मैंने सुना है पढ़ाई में बहुत तेज है हमारी रोहिणी। जी हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी ये पढ़ाई करेगी, बाद में फिर नौकरी पे भी जाएगी, और फिर इसकी कमाई से घर चलेगा हमारा। मां साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। बस लाडे सर, मैं सब जानू हूँ थारा के मतलब है। दादी साहब, इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है ना। वारे छोरा, एक दिन में ही लुगाई की भाषा बोलने लगा? कान खोल के सुन लो तुम सब, मारे जीतते जी कोई भी इस घर की मर्यादा ना लांघेगा। ये पढ़ना लिखना छोरों का काम है, छोरियों को शोभा ना देता, समझा? अरे दादी, सुनो तो। रोहिणी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था सो बैठ गई। मुझे पता है तुम दादी साहब की बात से उदास हो, लेकिन तुम्हें पता है दादी साहब बाहर से जितनी सख्त है ना, दिल की उतनी ही अच्छी है। नहीं वीर, मुझे दादी साहब की बात का कोई बुरा नहीं लगा। औरत के जीवन में ये भेड़िया तो समाज की बनाई हुई है, इसमें दादी साहब का कोई कसूर नहीं। अच्छा, ये सब बात छोड़ो और अपनी आंखें बंद करो। आंखें? वो क्यों? अरे यार, तुम सवाल बहुत करती हो। अच्छा, आंखें बंद करो फिर। और ये लो। ये क्या है? तुम खुद ही खोल कर देख लो।
किताबें? हाँ किताबें, तुम्हारे आंखों की रौनक और तुम्हारे सपनों की उड़ान। पर वीर दादी सा। रोहिणी, दादी सा घर के बाहर जाकर पढ़ने लिखने को गलत मानती है, लेकिन तुम घर पर रहकर तो पढ़ ही सकती हो ना। ओ हेलो, उदास क्यों, तुम मुस्कुरा दो। अच्छा जी, अगर तुम मुस्कुराई नहीं ना तो किताबें मैं वापस ले लूंगा। अच्छा जी, तो ये लो। अरे अच्छा। अरे रुको, रोहिणी रुको, रोहिणी यू के। अब दादी साहब वो क्यों छोरी, मारे मना करने के बाद भी तूने ये किताबें मंगा ही ली ना? दादी साहब इसमें इसकी कोई गलती नहीं, और वैसे भी तो आपको बाहर जाकर पढ़ने में आपत्ति है, ये घर में रहकर तो पढ़ सकती है ना। रे थारी अकल के घास चरने गई है हाँ? तुम्हारे को बता देगा कि के सही है के गलत है? सुन छोरी, आगे से ये कापी किताब थारे हाथ में नहीं दिखनी चाहिए। रे जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली इसने मायके में, सासरे में ये सब करने की जरूरत ना है। खबरदार छोरा, जो आज के बाद तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश भी की, समझ लो तुम दोनों। गजेंद्र, रे बड़ी भारी भूल कर दी तूने यह छोरी को मारे घर लाके। के हुआ मासा? मुझसे के पूछे है? पूछ अपनी लाडली बींदड़ी और अपने छोरे से, पता नहीं के जादू कर दिया है मारे पोते पे। आज पहली बार वीर ने उल्टा जवाब दिया है मारे को। जिस काम को मना करो वही करेगी। मासा, रोहिणी को पढ़ने का शौक है और वो हमेशा अव्वल भी आती थी। अपने पीहर के गांव में सबसे होनहार बच्ची है हमारी रोहिणी। और मासा, पढ़ाई लिखाई में बुराई ही क्या है, छोरी घर बैठ के पढ़ेगी, आप बस उसे पढ़ने दो। रे पर्दा पड़ गया है तुम सबकी अकल पे। जो छोरियां पढ़ लिख जावे हैं ना, अपने आदमी को पैरों की जूती समझे हैं, जूती। शहर वाली छोरियां आदमियों की बराबरी करे हैं और अपने आदमी को गुलाम बना के रखे हैं। और अगर हमने वीर की बहू को ज्यादा ढील दी ना, तो वो भी वीर को अपने इशारों पे नचाएगी। मैं चेता रही हूं गजेंद्र, समझा अपने लाडे सर को। अगर अभी लगाम ना खींची तो कहे दे रही हूं बहुत पछताएगा। ठीक है मासा, मैं वीर और रोनी को समझाने की कोशिश करूंगा, आप चिंता ना करें। आखिर पढ़ाई लिखाई में बुराई के है? वो तो पहले का जमाना कुछ और था, आज का कुछ और है। थारी बात बिल्कुल ठीक है वीर की माँ, पर मासा को कौन समझाए? अब हम ना तो रोनी को ना करके उसका दिल तोड़ सकते हैं और ना ही मासा की बात को टाल सकते हैं। आजकल तो सरकार भी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए कानून बना रही है, और मासा वो तो छोरियों के लिए किताब को ही दुश्मन समझे। मासा के अपने उसूल हैं रुक्मणी, और फिर इस उम्र में मासा की सोच को नहीं बदल सकते। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं खुशी खुशी रोहिणी को पढ़ने भेज देती। पढ़ाई लिखाई के लिए लगन देखी है मैंने उसमें,
और दिमाग से भी बहुत तेज है। अब ऐसी होनहार छोरी को हम शिक्षा से दूर तो ना कर सकते हैं ना जी। पर सवाल तो वही है ना कि मासा को कैसे समझाएं? सुनो जी, अगर रोहिणी मासा से छुपकर बिना बताए ही अपनी पढ़ाई करे तो? पर अगर मासा को जरा सी भी भनक पड़ गई ना रुक्मणी, तो पता नहीं वो क्या करेंगी। आप जरा भी चिंता ना करें, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, आखिर उसके भविष्य का सवाल है ना। ठीक है। सुनिए जी, आप जब भी शहर जाए ना तो बहू के लिए किताबें जरूर ले आइएगा। बाकी सब ठाकुर साहब पे छोड़ दो। ढोक दियो मासा। यू के कर रही बींदड़ी, रोके अपशगुन कर रही है, छोरे ना हंस के विदा कर। ढोक दियो दादी साहब। जीता रहे मारा लाडे सर, ठाकुर जी थारी रक्षा करे, दुश्मन की बुरी नजर से थारे को बचाए। ढोक दियो बापू साहब। कल की आई छोरी मारे घर में, मारी ही आंखों के सामने धूल झोंक रही है। मेरी नाक के नीचे तू ये करेगी और मारे को खबर ना होगी? ये संस्कार दिए थारे माँ बापू ने थारे को? खैर गलती तो मारे से ही हो गई, छोटे घर में मेरे पोते को ब्याके तुम क्या जानो मान मर्यादा। चढ़ गयो
प्यारे से प्रीत घड़ी है गोरी, नैना में तू ही समावे। सोहनी सूरत देख थारी, चांदड़ लो शर्मावे। रोहिणी,
रोहिणी तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? नहीं रोहिणी, तुम इन सफेद कपड़ों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम एक शहीद की पत्नी हो और वीर की वीरांगना इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा, पर तुम्हें हार नहीं माननी है। ये रिश्ते नातों के बंधन को तोड़कर अब तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी, तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी। तुम्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी होगी। तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी, तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी। होनी को कौन टाल सके? आपका पोता ने सारे गांव को नाम रोशन कर दियो। मारा एक ही पोता था, भगवान ने उसे भी मारे से छीन लिया। इससे अच्छा तो मुझ बुढ़िया को उठा लेता। जैसी ठाकुर जी की मर्जी दादी सा, किस्मत को लिखियो कोई न टाल सके। अब मने इजाजत दियो और आपको ध्यान रख जो गजेंद्र जी। रुक जा छोरी, यो क्या पहन रखे है? और कठे चल ली रे, मारे पोते की चिता की आग अभी ठंडी भी ना हुई है, तन्ने ये रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब शांत हो जाओ मासा। रे कैसे शांत हो जाऊंगा जिंदर, बेड़िया डाल इसके पैरों में, इससे पहले कि थारी बींदड़ी मारे खानदान की इज्जत का क्रियाकर्म कराए। बस दादी साहब, आज तक आप इस घर में जो भी बोलती आई, मैं और सासू माँ चुपचाप सुनते आए। आपका हर अत्याचार हुकुम मान सहन किया, पर अब तो ना आप मुझे पढ़ाई करने से रोक सकती है और ना ही मैं आपका कोई अत्याचार सहूं। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्या कहना। लेकिन एक बात याद रख गजेंद्र, अब ये छोरी इस घर में ना आवेगी। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल।
काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी आई ना जो दिखाना है कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में कदमों से अपने अब इनको मिटाना है पिंजरे को तोड़ कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया रुकना नहीं है अब तुझको हासिल होगा वो सब तुझको पथरी विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल तू बढ़ता चल मारे को बहुत खुशी है बेटा कि तुम डॉक्टर बन गई आखिर तुमने अपना सपना पूरा कर दिखाया शाबाश मारी भी बात कराओ ना रोहिणी से हाँ ये लो वाह लाडे सर वाह जिस छोरी ने इतनी बड़ी गलती की उसकी खातिर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हो बस बस उसने ऐसी क्या गलती कर दी पढ़ाई तो करना चाहती थी गलत वो नहीं है मासा गलत आपकी सोच है पढ़ाई छोरी के लिए तू मन ने गलत ठहरा रहा है रे वो मारे पोते को खा गई जिसके आते ही मारे कुल को चिरा बुझ गया और उसके लिए थारे मासा मन में मासा क्या हो गया मासा 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 दादी सर बापू सर क्या हुआ इनको सीने में दर्द उठा और बेसुध होकर गिर गई दादी सर घबराना मत आपको कुछ नहीं होगा जल्दी ठीक हो जाएंगे मासा
बहनों और भाइयों, यो हॉस्पिटल मारा पोता वीर और उसकी बहू का सपना हो, और ये सपना पूरा करण खातिर दिन रात मेहनत करने वाली मारे पोते की बहू रोहिणी, और इस सपने में सबसे बड़ी बाधा थी मैं खुद। रीति रिवाज, समाज के बंधन, इन सब में मैं भूल गई कि मैं भी एक औरत हूं। पर इस छोरी ने मारी आंखें खोल दी कि बहू भी बेटी होवे है, बस फर्क है तो एक सोच का। ये मारी बहू नहीं, बेटी है। भाई और बहनों, ये अस्पताल हमारे पोते वीर और पोते की बहू को सपनों। ताली बजाओ। अरे मेरी नहीं मारी। एक्शन बोलते के साथ ही चला देने। चलो रेडी दौड़। अरे पोते पे ठीक है। हां बोले से प्रीत घड़ी है गोरी नैना में।
रहा है म्यूजिक, उसके बाद सिर्फ वॉइस आ रही है, सिर्फ वॉइस आ रही है, मंगलम भगवान विष्णु और आग, मंगलम आग की फोले आ रही है, आग का फोले है। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर, बढ़ता चल।